राजगढ़ सालपुर क्षेत्र के लिए आज 26 सितंबर को एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि रेल सेवा के क्षेत्र में। यह ट्रेन देख रहे हैं हैदराबाद से हिसार के मध्य विस्तारित हुई है। यह साप्ताहिक ट्रेन जयपुर अजमेर होकर सिकंदराबाद हैदराबाद जाएगी। निश्चित ही यहाँ की जनता और इस क्षेत्र के यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण सुविधा उपलब्ध हो गई है। इससे पहले सिकंदराबाद हिसार ट्रेन चलती थी जो द्विसाप्ताहिक है, यहाँ से प्रत्येक शुक्रवार और रविवार को जाती है, जबकि आज की है ट्रेन मंगलवार को यहाँ से चलेगी। हमारे यहाँ के सांसद इसका उद्घाटन अलग से नहीं, आपका वो आप कहते हैं सिंगल रूट में नहीं आती है, यहाँ पे वो खत्म किया मामला, ट्रेन तो आएगी नहीं, मुझे बात यही है मारी तारी है यार। डीजल तो पावर से पहले भी था, आपने आपने भी दे दिया। हैदराबाद डेक्कन सिकंदराबाद के लिए जयपुर अजमेर होते हुए यह ट्रेन आज शुरू हुई है। सांसद राहुल कसवा इसे हरी झंडी दिखाते हुए यहां से रवाना करेंगे। इससे पहले अधिकारियों से विचार विमर्श कर रहे हैं। एमपी साहब बधाई हो, आपने एक ट्रेन शुरू कर दी हैदराबाद के लिए। धन्यवाद आपका, आपका जनता की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके प्रयासों से सिर्फ साधुपुर में नहीं चुरू जिले और अन्य क्षेत्रों के लिए नई ट्रेन मिल रही है, नई सुविधाएं मिल रही है। भविष्य में आपका क्या कार्यक्रम है और क्या योजनाएं हैं बताइए आप जनता के लिए। दो नई ट्रेनें और लेके आ रहे हैं, एक चेन्नई की है जो भी हिसार जाएगी, वह चूरू सुजानगढ़ होते हुए आएगी और हिसार जाएगी, और एक ट्रेन अजमेर रामेश्वरम है जिसका एक्सटेंशन अपने फिरोजपुर तक करवाया है, वो भी हिसार नौर बादरा हनुमानगढ़ होते हुए जाएगी। तीनों ही लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रेन है, तीन बड़े शहरों को जोड़ती हुई ट्रेन है जिसका मैं समझता हूँ अपने क्षेत्र में बड़ा फायदा मिलेगा, और आने वाले चंद दिनों में ही नेक्स्ट वीक हम रामेश्वरम वाले का कर देंगे और नेक्स्ट वीक से 5-7 तारीख से पहले पहले चेन्नई का भी कर देंगे, तो चेन्नई और अहमदाबाद की डायरेक्ट कनेक्टिविटी की ट्रेन अपने को और मिल जाएगी। एमपी साहब आपके प्रयासों को नमन। निश्चित ही आपके प्रयास सफल ही नहीं है, आम जनता और यात्रियों के लिए हितकर है। आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि कोटा और हिसार के मध्य ट्रेन चलती है, यदि यह ट्रेन इंदौर तक हो जाए तो यहाँ के यात्रियों को बड़ा फायदा मिलेगा। जनता की मांग भी है और बार बार ऐसे समाचार भी आ रहे हैं कि कोशिश की जाए। अपना इलेक्ट्रिफिकेशन अब हो गया कंप्लीट, काफ़ी ट्रेन चल पड़ी है इसमें, उसका बेनिफिट मिलेगा। अपन अभी नेक्स्ट स्टेज ऑफ जो इन्वेस्टमेंट अपन जो इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं वो अपन LHB कोचेज करवाएं, जैसे ये कोच पूरा LHB कोच है, ये कोई ऐसी ट्रेन है, तो बीकानेर दिल्ली जो ट्रेन चलती है हमारी और दिल्ली जोधपुर चलती है वो ट्रेन भी आने वाले 5-7 दिनों के अंदर LHB कोच के साथ नए रैक में शामिल हो जाएगी। जो भी ट्रेन की कैपेसिटी है वहाँ पे अगर ऐसी व्यवस्था होगी तो इंदौर के लिए भी अपने ट्रेन की इसको एक्सटेंड कराने का प्लानिंग कर रहे हैं और नया रैक भी लगवा रहे हैं उसमें कोटा हिसार के अंदर, तो नया रैक से के पब्लिक को बड़ा आसानी मिल जाती है। हमारा जो सारा प्लानिंग वो यही है कि नए ट्रेन को हम कैसे एक्सटेंड करवा पाएं, कहाँ से हम ले पाएं। हमने अभी सरदार शहर के लिए भी एक वॉशिंग लाइन का प्रस्ताव भिजवाया है, उम्मीद करते हैं कि उसका भी कोई ना कोई हमें फायदा मिल जाएगा, तो और भी हमारी ट्रेनें जुड़ने का हमारे को स्कोप मिलेगा। और रेवाड़ी रतनगढ़ से लेकर और चूरू तक के बीच में डबलिंग का काम 450 करोड़ रुपये का स्टार्ट हो गया है, क्योंकि ये अभी हमारा जो पूरा ट्रैक है वो 110% कैपेसिटी में चल रहा है, ट्रैक के ऊपर लोड ज़्यादा है, और एक बाईपास भी हमारा जल्दी शुरू हो जाएगा जो हनुमानगढ़ रेवाड़ी वाला है। कई चीज़ें होने के बाद में फ्लो ऑफ ट्रैफिक बढ़ेगा और जितनी ट्रेनें एक्सटेंड होनी चाहिए स्टेशन होने की हमें पूरी उम्मीद है, हम और भी करवा लेंगे। जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं और जिनकी मांग है उनके लिए अच्छा समाचार है कि सांसद महोदय हमारे युवा ऊर्जावान सांसद राहुल कसवा ने यह आश्वासन दिया है कि हिसार कोटा ट्रेन को शीघ्र ही इंदौर तक करवाने का प्रयास करेंगे। MP साहब एक और गंभीर समस्या है, आपको ऐसे साहब भी खड़े हैं, आपके प्रयासों से एक ट्रेन शुरू हुई थी सिकंदराबाद और हिसार के मध्य, निश्चित ही बड़ी महत्वपूर्ण ट्रेन है, लोगों को बड़ा फायदा मिल रहा है, लेकिन इस ट्रेन में अभी तक भी पुराने कोच है,
एसी की स्थिति ये रहती है कि ऐसे कोच लगे होते हैं कि यात्रियों में परेशानी होती है, लेटरिन बाथरूम साफ नहीं होते। तो आपसे निवेदन है कि इस ट्रेन की मेंटेनेंस और इसमें LSP कोच लगाने के लिए आप प्रयास करें। देखिए, भारत सरकार ने ना अभी वंदे भारत ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर काम शुरू किया हुआ है और हमने ICF कोचेस थे जो हमारे जो पहले आया करते पुराने वाले कोचेस, वो हमने उसकी प्रोडक्शन ही बंद कर दी है। अब LHB कोचेस की प्रोडक्शन होती है और वंदे भारत कोचेस की प्रोडक्शन कंट्री में हो रही है। धीरे धीरे हमने काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, हम हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट ट्रेन हैं, जो गंगानगर हमारी जो है बॉम्बे वाली ट्रेन हो, बीकानेर दिल्ली वाली हो, कोटा हिसार वाली हो और सिकंदराबाद वाली, अपने बताई है, इन सभी ट्रेन का हम आने वाले, मैं समझता हूँ दिसंबर तक काफ़ी ट्रेनें हमारी नए कोचेज के साथ में शुरू हो जाएंगी और हम वंदे भारत ट्रेन जैसी कोचेज की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक अलग प्लेटफॉर्म पर काम कर रही है। LHB टेक्नोलॉजी कुछ बढ़िया, ICF तो कम्प्लीटली बंद कर दिया गया है, तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा और जो आपने शिकायत बताई है जैन साहब, तो अवश्य इसको पर नजर रख के इसको भी इम्प्रूव कराने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद MP साहब, जनता को आपसे बड़ी अपेक्षाएं हैं और आपने जो काम करवाए हैं निश्चित ही सराहनीय नहीं ऐतिहासिक है, आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपके लिए मंगल कामनाएं। धन्यवाद आपका बहुत बहुत जैन साहब।